हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको एमएस आउटलुक का बैकअप लेना बताऊंगा कि कैसे एमएस आउटलुक की का बैकअप लेते हैं। तो उसके लिए आप अपने एमएस आउटलुक एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एमएस आउटलुक ओपन करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, मेनू ऑप्शन में फाइल ऑप्शन आ रहा है, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखेंगे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन शो कर रहे हैं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज एन एक्शन टू परफॉर्म, यानी कि आपको क्या करना है। तो बैकअप लेने के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी सेटिंग्स को या ईमेल्स को एक्सपोर्ट करना होता है एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर, और उस फाइल का एक्सटेंशन .PST होता है, जिसके अंदर वो सारी की सारी मेल्स और कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक्सपोर्ट टू अ फाइल सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ कि आप फाइल टाइप कौन सा, तो जब भी हम मेल का बैकअप लेते हैं तो जो फाइल का एक्सटेंशन रखते हैं वो PST रखते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलेक्ट द फोल्डर टू एक्सपोर्ट फ्रॉम, आप अपने उस फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी किस किस चीज़ का बैकअप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर्सनल एक मेन फोल्डर है, यानी कि ये पेरेंट फोल्डर है। इस पेरेंट फोल्डर के अंदर कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, डिलीटेड आइटम्स, ड्राफ्ट, इनबॉक्स, जर्नल, जंक ईमेल, नोट्स, आउटलुक, RSS फीड, सेंट आइटम्स, टास्क, ये सारे ऑप्शन है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इंक्लूड सब फोल्डर्स पे क्लिक करता हूँ, इससे क्या होगा कि सारे के सारे जितने भी सब फोल्डर्स हैं, चाइल्ड फोल्डर्स हैं, वो सारे के सारे उनके कंटेंट्स का बैकअप भी हो जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता हूँ, किसी एक फोल्डर या इनबॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इनबॉक्स का ही बैकअप आएगा। अगर कोई मेल आपके सेंट आइटम्स में है या कॉन्टैक्ट है, कैलेंडर्स है, उसकी डिटेल बैकअप नहीं होगी। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक का बैकअप लेना है तो आपको वो पर्टिकुलर सब फोल्डर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ मैं सभी फोल्डर्स का बैकअप लेना चाहता हूँ, इसलिए पर्सनल फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इंक्लूड सब फोल्डर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर बैकअप, आप बैकअप को कहाँ रखना चाहते हैं वो पाथ मांग रहा है, तो ब्राउज करके मैं बैकअप को अपनी एक डेटा ड्राइव में रखता हूँ और बैकअप का नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, MS Outlook आज की डेट डाल दे रहा हूँ 8/08/2000, ये फॉर्मेट नहीं लेगा, 8/08/08/2013। ओके, इससे मुझे पता भी चलेगा कि बैकअप किस डेट का है। फिनिश करता हूँ। अब आप यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहे हैं पासवर्ड, यहाँ आप देख सकते हैं पासवर्ड मांग रहे हैं। ये पासवर्ड बैकअप को सिक्योर करने के लिए है। ये पासवर्ड सेव कर देंगे, डाल के ओके कर देंगे, सेव नहीं करना है, डाल के ओके कर देंगे, कंफर्म पासवर्ड मांग रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस बैकअप को कोई रिस्टोर करेगा, आप देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसके अंदर ये MS Outlook का बैकअप आ गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इसको रिस्टोर करेगा तो रिस्टोर करते वक्त उस टाइम पे वो पासवर्ड मांगेगा जो मैंने अभी दिया है। तो एक बार चेक करते हैं इसको, MS Outlook पे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, मैंने बैकअप ले लिया है। अब ये जो ईमेल्स हैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ मैं डिलीट कर रहा हूँ, RSS फीड को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, सेंट आइटम्स में जो मेल है उसको भी डिलीट कर रहा हूँ। इससे सारा आइटम्स मेरा डिलीट हो गया। अब अगर बैकअप नहीं होता मेरे पास तो मैं इसको वापस नहीं ला सकता था। तो अब मैं नेक्स्ट इसमें ये बता रहा हूँ कि बैकअप को रिस्टोर कैसे करते हैं। एक तो मैंने आपको पहले अभी बता चुका हूँ कि बैकअप कैसे लेते हैं, अब मैं जो बता रहा हूँ बैकअप को कैसे रिस्टोर करते हैं। सो आउटलुक का बैकअप और रिस्टोर करना कैसे होता है ये बताता हूँ। बैकअप तो हो चुका है, रिस्टोर करना बता रहा हूँ। मेनू ऑप्शन से फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम और फाइल, तो
तो हमें फाइल से बैकअप रिस्टोर करना है, इसलिए यही ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसी ऑप्शन को जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है इसी पे हम सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आप PST पर्सनल ड्रॉप करके नीचे आएंगे तो पर्सनल फोल्डर फाइल .PST, मैंने एक्चुअली पहले PST में स्टोर किया था और PST मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से ब्राउज करके उस फोल्डर को, उस फाइल को सेलेक्ट करते हैं जिस फाइल का मैंने बैकअप लिया था। ये देखिए, इस नाम से मैंने बैकअप स्टोर किया था, तो यहाँ पर आप इस फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर वही पासवर्ड देना पड़ेगा जो आपने बैकअप लेते समय डाला था। अगर वो पासवर्ड आप नहीं डाल पाते हैं तो आप बैकअप को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी मेल्स या फाइल किसी के हाथ भी लग जाती है तो वो बैकअप को रिस्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उसका पासवर्ड पता नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ और ओके करता हूँ, कंफर्म पासवर्ड दोबारा से डालता हूँ, ओके करता हूँ, फिनिश करता हूँ, ओके, इनबॉक्स में जाते हैं। ये देखिए वापस आ गई है मेल्स, अनरीड RSS फीड वापस आ गए हैं, सेंट आइटम्स में जो मैंने मेल भेजी थी वो वापस आ गई है। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा कि MS Outlook का बैकअप कैसे लेते हैं और कैसे MS Outlook के बैकअप को रिस्टोर करते हैं। सो आज के सेशन में आपने ये सीखा कि बैकअप कैसे लिया जाता है और कैसे रिस्टोर किया जाता है। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।